हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है मार्केटिंग का, उसकी केस स्टडीज़ आगे कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि राधिका वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 12। हर फादर वॉज अ फार्मर हु ग्रू डिफरेंट वराइटीज ऑफ राइस एंड वॉज वेल वर्स्ड विद द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। उसके पिताजी राइस की काफ़ी डिफरेंट वराइटीज़ को उगाने में सक्षम है और राइस कल्टिवेशन के बहुत सारे आस्पेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ही वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट फॉर ए पायलट प्रोजेक्ट ऑन द राइस कल्टिवेशन एज ए प्रोजेक्ट वर्क इन द बिजनेस स्टडीज। शी डिसाइडेड टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट अ रीजनेबल प्राइस। हर फादर सुजेस्टेड हर टू यूज़ द इंटरनेट टू गैदर कस्टमर्स व्यू एंड ओपिनियन। उसके पिता ने सुजेस्ट किया कि वो उसको ओपिनियन इकट्ठी करे कस्टमर्स की। शी फाउंड दैट देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइस। उसने देखा कि पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइस की अच्छी डिमांड है। शी न्यू दैट देयर वाज नो प्री डिटर्मिंड स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ राइस बिकॉज ऑफ विच इट वॉज डिफिकल्ट टू अचीव ए यूनिफॉर्मिटी इन द आउटपुट। तो इसलिए उसको कोई प्री डिटर्मिंड स्पेसिफिकेशन नहीं थी राइस के लिए। सो क्या हुआ, उसको डिफिकल्ट हो रहा था यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आउटपुट में। टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंपिटिटर शी गेव द नेम ऑफ द माबरी ऑर्गेनिक राइस एंड ऑल्सो क्लासीफाइड इन टू थ्री डिफरेंट वराइटीज नेमली पॉपुलर क्लासिक एंड सुप्रीम। बेस्ड ऑन द क्वालिटी शी फेल्ट दैट दीज नेम्स वुड हेल्प हर इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। एक्सप्लेन थ्री फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ। तो हमें बच्चों इसका जो आंसर लिखना है वो हम क्या लिखेंगे, मार्केटिंग के फंक्शंस की बात करें, बहुत सिंपल चीज़ें होगी जो उन्होंने की हैं। तो पहला आ गया द थ्री, पहले हम लिखेंगे थ्री फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ आर एज डिस्कस्ड बिलो। पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो पहले तो उसने वही काम किया। दूसरा क्या किया उसने, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस किए ना, और उसने और तीन तरीके के पॉपुलर ब्रांड बना दिए उसने ना, और उसके बाद ब्रांडिंग की। तो ये आपको तीन फंक्शंस हैं जो मार्केटिंग के उसने इस पैराग्राफ में अप्लाई किए हैं, और आपको क्वेश्चन का जो आंसर जितने मार्क्स का होगा उसके हिसाब से आगे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो गैदरिंग और एनालाइजिंग और मार्केट इन्फॉर्मेशन में उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की, स्टैंडर्डाइज्ड किया और ग्रेडिंग किया और ब्रांडिंग किया, ठीक है जी, ये इसका आंसर रहेगा। तो गाइस चलिए आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हरे राम इज अ फेमस चेन सेलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट। देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड चिप्स बिस्किट्स स्वीट्स एंड स्क्वैशेस। इट चेंजेस अ कंपैरेटिवली हायर प्राइस देन इट्स कंपिटिटर्स एज इट सेल्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिसाइड्स इट ऑफर्स रेगुलर डिस्काउंट्स टू इट्स कस्टमर्स एंड ईजी क्रेडिट टर्म्स टू द रिटेलर्स। अपने कस्टमर्स को तो अच्छा डिस्काउंट दे रहा है और रिटेलर्स को भी अच्छी क्रेडिट की सुविधाएं दे रहे हैं। इट हैज़ फाइव ऑफ इट्स ओन रिटेल शॉप्स। इट ऑल्सो सेल ऑल द प्रोडक्ट्स टू वेरियस ग्रॉसरी स्टोर्स सो दैट द प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वान्टिटी एंड एट द राइट टाइम। इट रेगुलरली uses different communication tools to increase the sale. The above paragraph prescribes the combination of variables used by Hey Ram to
प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग, आइडेंटिटीफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स. तो आंसर में बटे हम जो लिखेंगे कौन सा वेरिएबल यूज किया, द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड बाय द कंपनी इज फोर पीज. मतलब पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस एंड चौथा प्रमोशन. अब एक एक करके हमें इसको एक्सप्लेन करना होता है. इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना आपको लिखना पड़ेगा. पर मैं इसका प्रिस्क्राइब जो एक तरीका है वो बता देता हूँ कि इसको क्या लिखना है आपको. सबसे पहले संक्षेप में मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है. प्रोडक्ट में अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू कस्टमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स. ठीक है जी. दूसरा क्या है बच्चे, प्राइस. तो प्राइस का क्या आएगा, इज द मॉनेटरी वैल्यू पेड इन कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय अ बायर टू इट्स सेलर. ठीक है बच्चों. और तीसरा क्या है, प्लेस. ओके, इसमें प्लेस का क्या है, टू मेक अवेलेबल गुड्स टू द कस्टमर्स वेयर दे रिक्वायर दे एग्जिस्ट. मतलब जहाँ कस्टमर्स रहते हैं वहाँ तक सामान पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. यदि आपने वहाँ तक सामान नहीं पहुँचाया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो फिर आपका सामान कोई नहीं ना खरीद पाएगा. सो प्रमोशन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ मार्केटर टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव बायर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परस्यू देम टू बाय. ठीक है बच्चों. अब ये चीज़ें चार तो कॉमन लिख रही, लेकिन पता कहाँ से लग रहा है. सो पता चल रहा है, सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करी. दे आर, यहाँ से देखो ना, पता चला वो कौन सी हायराम क्या बना रहे हैं, वैरायटी ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड स्क्वैशेस बना रहे हैं. ठीक है. द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ गुड्स. ठीक है जी, ये लाइन यहाँ से पता चल रही है. ठीक है. और प्राइस का क्या है, प्राइस वो दे रहे हैं कस्टमर्स को कंपेरेटिवली हायर देन द कंपटीटर. ठीक है. तो वो हमें किस लाइन से पता चल रहा है, वो हमें इस लाइन से पता चल रहा है. इट ऑफर डिस्काउंट्स. ठीक है जी. कंपटीटर प्राइस देन इट्स कंपटीटर. तो ये कंपैरेटिव प्राइसेस आ गया, कंपैरेटिव प्राइसेस से पता चल रहा है ये चीज़. ठीक है जी. और प्लेस का क्या गया, दे हैव फाइव रिटेल आउटलेट्स. रिटेल आउटलेट्स है कंपनी के, ताकि ईजिली अवेलेबल हो सके, और हर जगह उनके रिटेलर्स भी हैं. और प्रमोशन के लिए उन्होंने क्या बताया है, नीचे लास्ट में था, यूज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स. तो इन सेंटेंसेस से जो पैराग्राफ के अंदर गिवन है, उससे हमें पता चला कि फोर पीज इस एलिमेंट्स के, फोर पीज जो एलिमेंट है मार्केटिंग के, वो यूज हुए हैं. ठीक है बच्चों.
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।